हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम बताने वाले हैं हमारा जो स्टेटर है उसमें ऑटो स्विच कैसे काम करता है। और दोस्तों, हमारा जो ऑटो स्विच के अंदर रिले होता है, दोस्तों रिले क्या काम करता है सबसे पहले देख लीजिए गाइस। तो हमारा दोस्तों स्टेटर में जो कॉयल्स है, कॉयल्स का दो वायर होता है, एक वायर तो यहाँ पर लगा हुआ रहता है, ठीक है दोस्तों समझना, और दूसरा जो वायर है इसमें लगा हुआ रहता है, देखिए ये वाला में। तो इससे होकर हमारा दोनों स्टॉप और स्टार्ट बटन बटन से होकर एम्पियर में, एम्पियर से हमारा कॉइल में जाता है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से काम करता है। देखिए यहाँ से दोस्तों हमारा जो दूसरा वायर है यहाँ पर आता है, यानी कि जो कॉइल का दूसरा वायर यहाँ पर आता है और एक तो डायरेक्ट रहता है, तो इस तरह से काम करता है। और जो स्टॉप बटन है, देखिए दोस्तों आपस में जम्पर लगा हुआ रहता है, देखिए आपस में शॉर्ट रहता है, जैसे हम दबाते हैं जम्पर हट जाता है और हमारा स्टार्टर बंद हो जाता है, इस तरह से काम करता है। देखिए तो इस जम्पर को हम खोलेंगे और ऑटो स्विच का जो वायर है सात वायर वाला, तो उससे हम लगाएंगे, ठीक है गाइस। तो इस जम्पर को यहाँ से हटाते हैं, देखिए गाइस यहाँ से जो दोस्तों लाल वायर है वहाँ से स्टार्ट बटन में लाइन देता है, जम्पर देता है, और जैसे हम स्टार्ट बटन दबाते हैं उस साइड लाइन जाता है और हमारा स्टार्टर चालू हो जाता है, इस तरह से काम करता है, ठीक है गाइस। तो हम क्या करते हैं, ऑटो स्विच को खोलते हैं, खोल के दोस्तों हमारा जो बिजली का तीन वायर है यानी कि मेन लाइन का, उस तीन वायर को हम खोल लिए हैं, और दोस्तों जो मेन है स्विचिंग के लिए उसको बताएंगे। देखिए तो जो मेन जो चार वायर है, देखिए दोस्तों हमने थ्री फेज का जो तीन वायर होता है वो दोस्तों हमने खोल लिया, और जो चार वायर है दोस्तों मेन है, तो इसको हम लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम समझाते हैं, देखिए गाइस हमारा जो रिले है, देखिए गाइस हमारा जो रिले के वायर है दोस्तों काला वाला, देखिए हम जो रिले, देखिए तो दोस्तों हमारा जो रिले कैसे काम करता है, हमारा दोस्तों तीनों फेज में लाइन आने पर, देखिए 12 वोल्ट यहाँ पर आता है, ठीक है। तीनों फेज पर लाइन आने पर दो इस दोनों पॉइंट पर हमारा 12 वोल्ट आता है, और इस वाले से और दो काला वायर है यहाँ पर जम्पर हो जाता है, यानी कि एक तरह का स्विच बन जाता है, ठीक है। जैसे रिले ऑन होता है एक तरह का स्विच बन जाता है, हमारा वायर शॉर्ट होता है और स्टार्टर चालू हो जाता है, इस तरह से काम करता है। देखिए यहाँ से यहाँ पर जम्पर हो जाता है, ठीक है गाइस। देखिए गाइस ये रिले यहाँ पर इस तरह से काम करता है। तो हमारा जो बटन होता है दोस्तों ये भी उस तरह से काम करता है। देखिए दोस्तों हमारा जो सफ़ेद वाला वायर है तो हमारा बटन में गया है, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे बटन को चालू करते हैं आपस में शॉर्ट हो जाता है और चालू हो जाता है, इस तरह से काम करता है। तो हम बताने वाला दोस्तों इसको स्टार्टर में कैसे लगाए, बहुत ही ईजी तरीक़े से। देखिए ये चारों वायर हमने लिया, देखिए गाइस हम ये चारों वायर हमने लिया, इसे हमें लगाना है स्टार्टर में। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी नहीं सिखाएगा इस तरीके से, बहुत ही आसान तरीका। देखिए तो इसको सिल लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने दो काला वायर लिया यानी कि रिले का वायर लिया, तो रिले का वायर दोस्तों कोई भी दो आप ले सकते हो। देखिए यहाँ से यहाँ पर जम्पर देंगे हम इस वायर से, यानी कि जैसे रिले ऑन होगा यहाँ पर उस स्टॉप बटन से स्टार्ट बटन में लाइन जाएगा और हमारे स्टार्टर चालू हो जाएगा, इस तरह से काम करेगा, ठीक है गाइस। तो इसको हम खोल लेते हैं, पहले से जम्पर दिया हुआ है तो इसको खोल लेते हैं। दोस्तों हमारा जो स्टार्टर का कॉयल है एक वायर तो डायरेक्ट रहता है, और दूसरा जो वायर है हमारा दोनों स्विच से होकर एम्पियर से होकर गुजरता है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। देखिए यहाँ से जम्पर देने के लिए हम रिले का वायर लेंगे, यानी कि जैसे ही रिले ऑन होगा हमारा स्टार्टर भी ऑन हो जाएगा, इस तरह से काम करेगा। तो इसको यहाँ पर लगा लेते हैं, फिर ज़रा मैं बताता हूँ। देखो तो देखिए दोस्तों हमने एक वायर लगा लिया, यहाँ पर दूसरा वायर लगाएंगे। देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर से जम्पर देने के लिए एक वायर हो गया, यानी कि रिले का वायर हो गया है, और जो दूसरा वायर होगा दोस्तों हमारा सफ़ेद वायर, तो इसको कस लेते हैं। देखिए दोस्तों ये जो सफ़ेद वायर है
तो कोई सा भी एक लेकर दोस्तों हमारा काला वायर में लगाना है। देखिए यहाँ से यहाँ पर जंपर देने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर कोई सा भी एक वायर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जंपर हमने देते हैं, तो देखिए इसे यहाँ पर लगाना होगा, यानी कि स्टॉप बटन से स्टार्ट बटन में हमें जंपर देना होगा, और स्टार्ट करने के लिए हमें स्विचिंग का बटन देना होगा, यानी कि सफ़ेद वायर हमें देना होगा। देखिए यहाँ से जंपर देंगे और हमारे स्टार्ट बटन से एम्पियर से एम्पियर में लाइन जाएगा, एम्पियर से हमारे रिले में लाइन जाएगा, यानी कि कॉइल में लाइन जाएगा, ठीक है, और हमारा स्टार्टर चालू होगा। तो इस तरह से काम करता है। देखिए यहाँ पर जंपर दिया और स्टार्ट बटन से हमें एम्पियर में लाइन देना होगा, इसलिए हमें यहाँ पर जंपर देना होगा। देखिए ये जो वायर है हम स्टार्ट बटन के जो खाली है यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरह से काम होगा, तो बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, आप भी घर पे लगा सकते हो मेन स्विच को ऑफ करके, और कोई भी जो फ्यूज वगैरह है उसको ऑफ करके आप भी घर पे लगा सकते हो बहुत ही सेफ्टी के साथ, ठीक है गाइस। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर लगा दिया है कुछ इस तरीके से, देखिए आप भी देख सकते हो और आप भी घर पर लगा सकते हो फुल सेफ्टी के साथ दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही हैवी वोल्टेज होता है, तो एक बार खोल गया फिर से लगाते हैं और बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक बार आपको खोलना होगा जो स्टॉप बटन है, वहाँ से एक बार आपको खोलना होगा, मैं बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ऑटो स्विच है उससे ही स्टार्ट और स्टॉप होगा, यानी कि चालू बंद हमारा ऑटो स्विच से होगा, इसलिए एक बार हमें खोलना होगा। तो इसको लगा लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लगा लिए हैं, और हाँ दोस्तों हमारे ऑटो स्विच से बंद और चालू होने के लिए हमारे एक वायर खोलना होगा, तो मैं बताता हूँ। हमारे स्टार्टर से एक वायर हमें खोलना होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा बंद चालू तो ऑटो स्विच से हो जाएगा, स्टार्टर से बंद होने के लिए एक वायर हमें खोलना होगा। देखिए तो इस वायर को हमें खोल लेते हैं, देखिए ये वायर हमें खोलना होगा और एक तरफ कर देना होगा ताकि ये बॉडी से टच ना हो। तो यहाँ पर वाला हम फिर से लगा लेते हैं, तो इस तरह से काम होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।